उच्चतम न्यायालय ने भीमा कोरेगांव हिंसा मामले के सिलसिले में गिरफ्तार 5 मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को 6 सितंबर तक घर में नज़रबंद रखने का बुधवार को आदेश दिया। मामले की सुनवाई के दौरान न्यायालय ने कहा कि असहमति लोकतंत्र का सेफ्टी वॉल्व है। शीर्ष अदालत के इस आदेश के बाद इन 5ों मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को जेल नहीं भेजा जाएगा, परंतु वे पुलिस की निगरानी में घरों में ही बंद रहेंगे। प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा, जस्टिस SM खनविलकर और जस्टिस धनंजय वाई चंद्रचूड़ की 3 सदस्यीय खंडपीठ ने भीमा कोरेगांव घटना के करीब 9 महीने बाद इन व्यक्तियों को गिरफ्तार करने पर महाराष्ट्र पुलिस से सवाल भी किए। पीठ ने कहा कि असहमति लोकतंत्र का सेफ्टी वॉल्व है और यदि आप इन सेफ्टी वॉल्व की इजाज़त नहीं देंगे तो ये फट जाएगा। शीर्ष अदालत ने इसके साथ ही इन गिरफ्तारियों के खिलाफ इतिहासकार रोमिला थापर और अन्य की याचिका पर महाराष्ट्र सरकार और राज्य पुलिस को नोटिस जारी किए। याचिका कार्यकर्ताओं में प्रभात पटनायक, माजा दारूवाला, सतीश देशपांडे और देवकी जैन भी शामिल है। महाराष्ट्र सरकार के वकील ने इस याचिका की विचारणीयता पर सवाल उठाते हुए कहा कि मामले से सरोकार नहीं रखने वाले उन कार्यकर्ताओं के लिए राहत नहीं मांग सकते जो पहले ही उच्च न्यायालयों में याचिका दायर कर चुके हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने राफेल विमान सौदे पर कांग्रेस की तरफ से लगाए जा रहे आरोपों को लेकर बुधवार को बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कीमत को लेकर कांग्रेस ने जो भी तथ्य रखे हैं वो सारे गलत हैं। अपने फेसबुक ब्लॉग और फिर ट्विटर पर अरुण जेटली ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी से 15 सवाल पूछे। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि राहुल गांधी राजनीतिक फायदे के लिए लगातार झूठ पर झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि 2007 के राफेल ऑफर से संबंधित मामलों को लेकर राहुल गांधी ने खुद भी अलग अलग जगहों पर अपने भाषण में 7 अलग कीमतें बताई हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री ने आगे कहा कि राष्ट्रीय पार्टी से इस प्रकार की उम्मीद की जा सकती है कि कोई भी आरोप लगाने से पहले वो तथ्यों की जांच करे। जेटली ने कहा कि यूपीए की सरकार ने स्टील में करीब 1 दशक की देरी की, जिसका सीधा असर राष्ट्रीय सुरक्षा पर पड़ा। राहुल गांधी की समझदारी पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि क्या आप बेसिक विमान और एसेसरीज से लदे विमान की कीमत की तुलना कर सकते हैं? क्या आप एक साधारण विमान और हथियारों से लैस विमान की तुलना कर सकते हैं? कांग्रेस को यह याद रखना होगा कि ये 2 सरकारों के बीच हुआ सौदा है। भारत सरकार 36 फुली लोडेड विमान को फ्रांस से खरीदेगी, किसी प्राइवेट कंपनी या संस्था का कोई दखल नहीं है। राफेल विमान सौदे पर अरुण जेटली द्वारा सोशल मीडिया पर उठाए गए सवालों का राहुल गांधी ने कोई जवाब नहीं दिया। इसके बदले कहा कि यदि इस मामले का पटाक्षेप करना चाहते हैं तो संयुक्त संसदीय समिति यानी JPC गठित कर दीजिए। अरुण जेटली ने इस पर तत्काल पलटवार किया। उन्होंने लिखा कि 1987 में कांग्रेस सरकार ने बोफोर्स सौदे में दलाली की जाँच के लिए JPC गठित की थी। उसने कोई कमीशन न लेने की बात पर क्लीन चिट दे दी थी। इस पर पूरी दुनिया में हंसी हुई थी। झूठ का जाल रचने के लिए JPC की ज़रूरत क्या है? भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने भी कांग्रेस पर वार किया। उन्होंने कहा कि JPC का मतलब झूठी पार्टी कांग्रेस। लंबे समय से अखिलेश यादव से नाराज चल रहे उनके चाचा और सपा के वरिष्ठ नेता शिवपाल यादव ने अलग समाजवादी सेक्युलर मोर्चा बनाया है। शिवपाल ने कहा कि समाजवादी पार्टी में मेरी उपेक्षा हुई है, हम पार्टी से उपेक्षित लोगों को मोर्चे से जोड़ेंगे। सपा मुखिया अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल ने अपने आवाज़ पर संवाददाताओं से कहा, मैंने समाजवादी सेक्युलर मोर्चा का गठन किया है। समाजवादी पार्टी में मेरी अवहेलना हो रही थी और मैंने 2 साल इंतजार किया। पार्टी के कार्यक्रमों के बारे में ना तो मुझे सूचना दी गई और ना ही कोई आमंत्रण, मुझे कोई जिम्मेदारी भी नहीं दी गई। शिवपाल ने दावा किया कि वो समाजवादी पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव भी समाजवादी सेक्युलर मोर्चे से जुड़ेंगे। शिवपाल जी, आज आपने कुछ निर्णय लिए हैं नेताजी से मिलने के बाद, उसके बारे में बताएं। देखिए, मैंने एक समाजवादी सेक्युलर मोर्चा का गठन किया, वो काम कर रहा है। जो लोगों को काम नहीं मिल रहा था, जो लोग उपेक्षित थे और इधर उधर घूम रहे थे, जिनका कहीं पर भी सम्मान नहीं था, तो हमने उनको इकट्ठा करके काम किया है। वो जा रहे हैं, दिलों में जा रहे हैं, भीतर जा रहे हैं और अपना काम कर रहे हैं। आने वाले लोकसभा चुनाव में उनकी भूमिका है? देखिए, हम ये समाजवादी सेक्युलर मोर्चा के साथ साथ छोटे छोटे सभी दलों को इकट्ठा करेंगे। जितने भी लोग उपेक्षित थे सबको इकट्ठा करेंगे और मजबूत संगठन बना करके आएंगे। समाजवादी पार्टी के संरक्षक हैं मुलायम सिंह यादव भी आपके साथ रहे, क्योंकि भगवती सिंह जब भी उन्होंने कहा था कि मुझे समाजवादी पार्टी में सम्मान नहीं मिल रहा है, उनका सम्मान करेंगे।
और जो नहीं कर रहे हैं उनसे भी हम अनुरोध करेंगे, सब लोग सम्मान करेंगे, और जो सम्मान नहीं किया उसकी वजह से तो कमजोर हुई है। पर कब तक शुरुआत शुरुआत कर दी है? तो ये लोकसभा चुनाव में बताएंगे आप करिए, चुनाव लड़ेगी पार्टी आपकी सेकुलर मोर्चा? अब उसमें फैसला करेंगे, हम सबको इकट्ठा करके फैसला करेंगे कार्यकर्ताओं से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में 2% अतिरिक्त वृद्धि को मंजूरी दे दी है। इस कदम से केंद्र सरकार के 1.1 करोड़ कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को लाभ मिलेगा। एक आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी गई। डीए और डीआर में वृद्धि से सरकारी खजाने का सालाना 6,112.20 करोड़ का बोझ बढ़ेगा। वित्त वर्ष 2018-19 के 8 महीनों के दौरान 4,074.80 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा। यह वृद्धि 1 जुलाई 2018 से लागू होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला किया गया। डाकघरों में भी अब पोस्ट ऑफिस जैसी सुविधाएं मिलेंगी। प्रधानमंत्री मोदी 1 सितंबर को इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की देशभर में शुरुआत करने वाले हैं। शुरुआत में इस बैंक की देशभर में 650 ब्रांच और 3,250 एक्सेस पॉइंट होंगे। ये बैंक बचत खाता, चालू खाता, मनी ट्रांसफर, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण, बिल भुगतान आदि समेत कई तरह के उत्पादों की पेशकश करेगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के खर्च की सीमा 80% बढ़ाकर 1,435 करोड़ रुपये करने की मंजूरी दे दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक के बाद बताया गया कि 635 करोड़ रुपए का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है, जिसमें 400 करोड़ रुपए तकनीक से संबंधित और 235 करोड़ रुपए मानव संसाधन के लिए हैं। बयान में कहा गया कि 31 दिसंबर 2018 तक देश के सभी 1.55 लाख डाकघरों को इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक प्रणाली से जोड़ दिया जाएगा। पोस्ट पेमेंट बैंक की शुरुआत पहले 21 अगस्त को होनी थी, लेकिन 16 अगस्त को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की मौत के बाद आईबीपी की शुरुआत होने की तिथि को बदल दिया गया था। भीमा कोरेगांव मामले में गिरफ्तार आरोपियों को भले ही मानवाधिकार कार्यकर्ता के रूप में पेश कर हायतौबा मचाया जा रहा हो, लेकिन उनके नक्सलियों के साथ नज़दीकी संबंध जग जाहिर है। इस मामले में जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है उनमें कई नक्सलियों के साथ संबंध के आरोप पहले भी जेल जा चुके हैं। यही नहीं, कांग्रेस के नेतृत्व वाली सपरंग सरकार ने नक्सलियों के साथ संबंध को लेकर जिन 128 संगठनों के खिलाफ कार्रवाई के लिए राज्य सरकारों को पत्र लिखा था उनमें इन सभी आरोपियों के संगठनों का नाम शामिल था। मामले पर नज़र रखने वाले एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार दिल्ली में छपे कोबार्ड गैंडी को गिरफ्तार किया गया था, जो अभी तक जेल में है। यही नहीं, नक्सली हिंसा की साजिश में शामिल होने के आरोप में दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर जी साईं बाबा को गिरफ्तार किया गया था और आरोप पत्र भी दाखिल किया गया था। इसी तरह से जेएनयू के छात्र हेम मिश्रा को नक्सलियों के साथ संबंध के आरोप में गिरफ्तार किया जा चुका है। इन सारे तथ्यों को नज़रअंदाज कर राहुल गांधी इनके समर्थन में खड़े नजर आए और ट्वीट कर भाजपा पर निशाना साधते रहे। भाजपा की तरफ डीएमके के झुकाव की अटकलों पर विराम लगाते हुए नवनिर्वाचित अध्यक्ष एमके स्टालिन ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला। स्टालिन ने कहा कि मोदी सरकार भारत का भगवाकरण करने की कोशिश कर रही है। स्टालिन ने पार्टी अध्यक्ष पद की शपथ लेने के बाद अपने पहले संबोधन में कहा, आइए भगवाकरण की कोशिश कर रही मोदी सरकार को सबक सिखाएं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सर्च इंजन गूगल से काफ़ी खफा हैं। उन्होंने गूगल को बकायदा धमकी दी। ट्रंप का कहना है कि सर्च इंजन पर इडियट लिखने पर उनकी फ़ोटो आती है, ये जानबूझकर किया जा रहा है। ट्रंप ने इसके साथ ही गूगल पर फेक न्यूज़ को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। ट्रंप ने संवाददाताओं से बात करते हुए कहा कि आप गूगल पर सर्च ट्रंप न्यूज़ सर्च करो तो मेरे खिलाफ़ बुरे और नेगेटिव खबरें पढ़ने को मिलती है। ऐसा सर्च इंजन में धांधली कर किया जा रहा है। गूगल में रिपब्लिकन और कंजर्वेटिव और फेयर मीडिया को पूरी तरह से नज़रअंदाज किया जाता है। सिर्फ CNN की खबरों को ही प्रमोट किया जाता है। यही नहीं, ट्रंप ने इन कंपनियों को धमकी देते हुए कहा कि ये लोग नहीं जान रहे कि वो किससे झगड़ा मोल रहे हैं। गूगल सर्च इंजन सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप की खिल्ली ही नहीं उड़ा रहा,
भारतीय राजनेता भी इसके शिकार हैं। गूगल सर्च में फेकू लिखने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें सामने आती हैं। इसी तरह पप्पू लिखने पर राहुल गांधी की फ़ोटो बहुतायत में मिलती है। फिलहाल भारतीय नेताओं ने कभी से ज़्यादा गंभीरता से लेते हुए कोई शिकायत दर्ज कराई हो ऐसी जानकारी में नहीं है।